हाय एवरीवन, मैं हूं कुमार गौतम और आप देख रहे हैं द वेस्टर्न इन्वेस्टर। तो चलिए हम सबसे पहले कल के स्टॉक्स को डिस्कस कर ले, देखते हैं उस स्टॉक में परफॉर्मेंस कैसा था जो हमने कल डिस्कस किया था। तो कल हमने डिस्कस किया था कैमलिन फाइन साइंसेस। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लगभग आपको 13-14% का मूव यहाँ पे देखने को मिला। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें गणेश बेंजोप्लास्ट, तो यहाँ पे भी आपको 4% के आसपास का मूव देखने को मिला। हैथसन एग्रो हमने बात किया था, हैथसन एग्रो में काफी बड़ा मूव देखने को मिला, यहाँ पे एंट्री नहीं मिला हुआ क्योंकि डायरेक्टली गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद शार्प अप मूव देन आफ्टर प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे देखने को मिला। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो नेक्स्ट स्टॉक आपका रैमको सीमेंट, जो अभी भी वहीं पे प्लेस्ड है, ना ये ऊपर को मूव कर रहा है ना ये नीचे को मूव कर रहा है, मगर अगर हम 75 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें तो बेस का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है, तो इसको हम रडार पे रखेंगे। इसके ब्रेकआउट के बाद हमें यहाँ पे एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। अगर हम कल के लिए बात करें तो निफ्टी यहाँ पे देखें तो निफ्टी हमें सारा दिन एक रेंज के अंदर ट्रेड होता हुआ दिखा, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग, पूरे दिन मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी देखने को मिली। तो जैसा हमने डिस्कस किया था कि निफ्टी अभी वेव थर्ड के अंदर में चल रहा है, जिसका मिनिमम टारगेट आपका 26,300 से 28,600 के आसपास में, तो कोई भी डिप मिलता है यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी के जैसा इसको यूज किया जाएगा। मार्केट में काफी स्ट्रेंथ है, अगर आप फंड फ्लो देखें तो काफी ज्यादा बाइंग फिगर आ रही है, म्यूचुअल फंड का नंबर ऑल टाइम हाई पे है। तो जब तक मार्केट के अंदर लिक्विडिटी है, टेंशन की कोई बात नहीं, मार्केट हमेशा धीरे धीरे, मतलब अगर कोई फॉल भी आता है तो रिकवरी भी उतनी ही तेज यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो निफ्टी यहाँ पे बाय ऑन डिप है, जब भी डिप मिले यहाँ पे पोजीशन बनाया जा सकता है एक अच्छे सपोर्ट के पास। तो अगर हम नेक्स्ट सपोर्ट की बात करें तो ये आपको एक नेक्स्ट सपोर्ट दिखेगा जहां से ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस घुमा, तो निफ्टी अगर मान लीजिए इधर कहीं मिलता तो यहाँ पे लॉन्ग का ट्रेड लिया जा सकता है। ये ट्रेंड लाइन का लोअर बैंड भी है और इसके बाद जो टारगेट होगा ऊपर के लिए हम प्लान कर सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में हमने डिस्कस किया था कि ये कंटिन्यूअसली 61.8% जो कि 52,630 का लेवल है, यहां से रेजिस्टेंस लेके सेलिंग देखता हुआ हमें सॉरी यहां से कंटिन्यूअसली हमें सेलिंग देखने को मिल रहा है। कल भी वही हुआ, बैंक निफ्टी खुला, एक अच्छा मोमेंटम यहां पे 61% को हिट किया, फिर वापस नीचे आ गया, तो 52,200-53,000 और 52,600-650 ये एक बड़ा रेंज है बैंक निफ्टी के लिए जिसके बीच में ये ट्रेड कर रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट आता है तो हमें एक अच्छा मूव यहाँ पे देखने को मिल सकता है 53,567 तक। तो यहाँ पे भी हमें एक काफी अच्छा सेंटीमेंट देखने को मिल रहा है। पीएसयू के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, एनबीएफसी के रिजल्ट बहुत ही अच्छे आ रहे हैं, तो यहाँ पे हमें एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। एक्सपायरी की वजह से यहाँ पे बैंक निफ्टी में हमें कोई मूव देखने को नहीं मिला। और कल के लिए स्टॉक की बात करें तो मैं वापस से सेम स्टॉक को यहाँ पर रिपीट करूंगा, कैमलिन फाइन साइंसेस। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो आपको देखने को मिलेगा काफी अच्छा यहाँ पे हमें वॉल्यूम के साथ पोजीशन बनता हुआ दिखा और हमने इसे यहाँ पे एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर दिया था बिल्कुल बेस के आसपास में। तो अगर हमें कोई भी यहाँ पे डिप मिलता है तो हम इसको एक्यूमुलेट करके चलेंगे, जैसा मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि शॉर्ट टर्म में 131 रुपीज का टारगेट होगा और थोड़ा बड़े टर्म में अगर हम बात करें तो 155 का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। गणेश बेंजो प्लस, इसको भी मैं रिपीट करना चाहूंगा, यहां से हमें ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है इस नेकलाइन का, तो इसको इस लेवल को रीटेस्ट करने दीजिए। अगर ये रीटेस्ट करता है तो बेस्ट एंट्री लेवल होगा हमारे लिए, क्योंकि 38% मतलब 161% काफी ही अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। जिन्होंने भी यहाँ पे बाई किया आप बिल्कुल सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका ये स्टॉप लॉस का भी ट्रिगर ही नहीं होना चाहिए। बट इनकेस अगर डिप मिलता है तो यहाँ तक एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं। पहला टारगेट 61.8% जो कि 182 रुपीज का है। इसके बाद नेक्स्ट टारगेट की बात करें तो नेक्स्ट टारगेट आपका 127% 241 रुपीज का टारगेट हमें यहाँ पे भी रीटेस्ट होता हुआ दिख सकता है। हैथसन एग्रो ने अच्छा मोमेंटम किया। अगर हम बात करें नेक्स्ट स्टॉक की तो एबर्ट इंडिया, ये थोड़ा बड़ा शेयर है तो थोड़ा देखिएगा, मेरे पास ये काफी लोअर लेवल से है, मैंने यहाँ कहीं इसको एक्यूमुलेट किया 38% पे, इसके बाद मैं इस पोजीशन को कैरी कर रहा हूँ। काफी तेज मोमेंटम नहीं है, प्राइस रुक रुक के आ रहा है, बट जो टारगेट है वो इंटैक्ट है 30,825। तो मान लीजिए कल अगर ये 81% के ऊपर निकलता है तो एक अच्छा मोमेंटम हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है, तो इसको भी हम यहाँ पे रडार पे रखेंगे। और मैंने आपके साथ ऑलरेडी रैमको सीमेंट डिस्कस कर ही लिया, इंटेलेक्ट डिजाइन मैंने कल डिस्कस किया था, तो यहाँ पे अच्छा अप मूव देखने को मिला 81%, वापस यहीं से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ गया। तो अगर कोई भी डिप मिलता है तो हम यहाँ तक एक्यूमुलेट करके चलेंगे, टारगेट आपका इंटैक्ट है 1300 रुपीज का। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा दोस्तों कि मैं 2-3 दिन के लिए कहीं बाहर आउट ऑफ स्टेट जा रहा हूँ ट्रैवल करने, तो शायद मैं वीडियो ना बना के डाल पाऊं, बट मैं कोशिश करूंगा कि शॉर्ट्स के थ्रू मैं आपको मार्केट का स्टेटस अपडेट कर दूं कि मार्केट में क्या चल सकती है और क्या यहां पे सेंटीमेंट रहेगा। आई होप आप मेरे प्रॉब्लम को समझेंगे, मुझे ज्यादा से ज्यादा प्यार देंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग। जय श्री राम।